नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आज आमतौर पर 6 बजे हम लोग करते हैं लाइव चैट आज तक के फेसबुक पेज पर, लेकिन बहुत से लोग कह रहे थे कि बहुत दिन से लाइव चैट नहीं हो रहा है, आप घर से क्यों नहीं कर देते हैं? तो मुझे लगा ठीक है, चलिए आज घर से ही लाइव चैट स्टार्ट करते हैं, लाइव चैट का सिलसिला शुरू करते हैं लोगों से बात करने का, और ख़ास तौर पर तब जबकि कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन है और लॉकडाउन में आप सब लोग घर पर बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो केवल बैठे नहीं हैं, कुछ ना कुछ तरीके से मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो वो भी अपनी स्टोरी सुना सकता है, आज बता सकता है कि भाई आप लोग किस तरीके से मदद कर रहे हैं, किस तरीके से काम आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जहाँ भी है जैसे भी है मदद कर सकता है, जैसे भी वैसे मदद कर दे तो बहुत अच्छा है। मनोज आए हैं, मनोज सुरभि प्रतीक, वो कह रहे हैं कि हवा में प्रणाम। कोई बात नहीं, हम पहले भी हवा में प्रणाम किया करते थे। कल मेरा ट्वीट आपने शायद देख लिया, वो कह रहे हैं कोशिश करता हूँ देखने की, देख पाता हूँ जिन लोगों के ट्वीट सुन के देख लेता हूँ। आशुतोष आए हैं, आशुतोष जी कह रहे हैं कि 25 मार्च को मेरा बर्थडे था, विश नहीं किया आपने। ओहो, कोई बात नहीं भाई साहब, 25 मार्च को गए बहुत दिन ही हुए हैं, आज विश कर देते हैं। पारस जी आपका भी स्वागत है, विजय स्वामी जी आपका भी स्वागत है, सत्यम मिश्रा आए हैं आपका भी स्वागत है, कीर्ति मिश्रा आपका भी स्वागत है, पुष्पेंद्र सिंह शेखावत आ गए हैं आपका भी स्वागत है। बहुत सारे लोग जो बहुत दिन से लाइव चैट से कनेक्ट रहते थे वो मैसेज भी करते थे, ट्विटर पे लिखते थे, फेसबुक पे कमेंट छोड़ते थे कि भाई साहब लाइव चैट आपने कहा था घर से करेंगे, कब करेंगे? तो आज मुझे लगा कि चलिए ये दिन है। एक बार एक काम करते हैं, इसको हाथ में पकड़ लेते हैं मोबाइल को, ताकि आप लोगों के कमेंट्स में बेहतर तरीके से देख पाऊँ और समझ पाऊँ। चलिए, अब मंजीत कुमार कह रहे हैं फिलीपींस से हूँ, और आपको याद है ना अभी 10,000 रुपये मैंने डोनेट किया, हम लोग भी लॉकडाउन में हैं भाई, फिलीपींस में भी लॉकडाउन है। देखिए मुरली जायसवाल कह रहे हैं कि मैंने 1 क्विंटल चावल और 1 क्विंटल आलू दिए, बहुत अच्छा किया। ब्रजेश पटेल कह रहे हैं अब इस दुनिया का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, सब होता रहता है, चीज़ें आती रहती हैं जाती रहती हैं। और श्याम मिश्रा जी कह रहे हैं कि साहब मैं मुंबई में हूँ, यूपी जाना चाहता हूँ। श्याम जी अभी तो मुझे लगता है जहाँ हैं वहीं रहें तो अच्छा है। नयन शाह कह रहे हैं जय श्री राम, राम निवास देवासी बस्सी कह रहे हैं कि राम राम, आपको भी राम राम। विनय भाटिया वैल्यूड कॉमेंटर लिखा है फेसबुक ने, अच्छा भाई। विनय भाटिया जी कह रहे हैं कैसे हैं आप इस माहौल में? मैं ठीक हूँ विनय भाटिया जी, मैं तो दफ्तर जाता हूँ हर रोज़, और जैसा मैंने कहा आप लोगों से बीच में वीडियो के जरिए भी कि भाई हम तो ऑफिस जाते हैं और आपके लिए जाते हैं आप, क्योंकि पर्दे के परिवार हमारा परिवार है, आप लोगों को भी तो हमें जानकारियां मुहैया करानी है। आपको अगर पता नहीं लगेगा क्या कुछ हो रहा है दुनिया में तो आप लोग और बेचैन हो जाओगे घर में, इसलिए हम जाते हैं। शरद वशिष्ठ पूछ रहे हैं कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ शरद जी, और पूछ रहे हैं कब तक रहेगा लॉकडाउन? शरद जी अभी तो देखिए 14 तारीख तक मान के चलिए, 21 दिन की बात है, उसके बाद हालात कैसे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोरोना भारत में स्टेज 3 में नहीं पहुँचता है, भारत उसको रोकने में कामयाब हो जाता है, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन अगर इससे विकट होती हैं चीज़ें तो फिर मुश्किल हो सकती है थोड़ी सी। और मोनू जायकर कह रहे हैं जय श्री राम, भाई साहब आपको भी जय श्री राम। जय श्री राम भैया, अपना ख्याल रखिए। राज सिंह राजपूत बोले, शशांक वाजपेयी कह रहे हैं प्रणाम रोज जी, कैसे हो आप? इस कठिन समय में भी हमारे लगे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नयन शाह नमस्कार, राजा बनर्जी नमस्कार। विक्की कह रहे हैं सीधे नहीं दिख रहे भाई, सीधे तो हम है नहीं भाई साहब, सीधे दिखेंगे कैसे? विक्की जी, और कोई बात नहीं यार, आदत नहीं है ना अभी, वहाँ तो ऑफिस में टेक्निकल टीम मिल जाती है, और यहाँ अभी सीख रहे हैं, कर लेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा, नहीं तो आप लोग सिखाई दोगे ना। नयन शाह कह रहे हैं जय श्री राम। उमेश उपाध्याय कह रहे हैं जय हिंद सरदाना जी, आप लोग लगातार आर्मी की तरह लड़ रहे हैं भाई, धन्यवाद उमेश उपाध्याय जी। सीपी पाठक कह रहे हैं हमें स्वीकार करना होगा कि आप चाहें ना चाहें ये लोग घर जाएंगे, अच्छा हो गया, इसे स्वीकार कर योजना बनाकर इन्हें तत्काल प्रभाव से घर भेजने की व्यवस्था हो। मुझे लगता है कि अब तो व्यवस्था हो गई ना पाठक जी, हम लोग लगातार पिछले 3 दिन से इससे जुड़ी खबरें चला रहे हैं। कल देखिए आप, हरियाणा के मुख्यमंत्री को हमने बुलाया, उनसे सवाल पूछे, उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल पूछे, यूपी की पुलिस से सवाल पूछे, अधिकारियों को बुलाया, यूपी के मंत्री को बुलाया, सब लोगों से जब बातचीत होती है, चीज़ें उठती हैं, उनसे सवाल होते हैं, उनको ऐसे में केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलता, सलाह भी देनी पड़ती है, कई बार सलाह भी दी हम लोगों ने, उसके बाद आज चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं। अब लेकिन शायद सरकारों को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि हम अगर बस चलाएंगे तो कितनी भीड़ अभी भी घरों में बैठी है वो बाहर निकल आएगी ये सोच के कि नहीं हम भी अपने घर पहुंच जाते हैं, तो ऐसी स्थिति आज हो गई। देखिए
रोहित शर्मा कह रहे हैं राधा स्वामी के आश्रमों का उपयोग इन सभी प्रवासी भाई बहनों के रहने के लिए किया जा सकता है। रोहित शर्मा जी, ये तो राधा स्वामी वालों को तय करना है ना, आपके और मेरे तय करने से होगा नहीं। स्वप्निल चौहान कह रहे हैं सर जी क्या हाल चाल है, काफी दिनों बाद लाइव देखकर अच्छा लगा, ध्यान रखिएगा सर अपना और परिवार का, सबको मेरी तरफ से नमस्ते। स्वप्निल जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। आशीष यदुवंशी पूछ रहे हैं कैसे हैं आप सर, मैं ठीक हूँ एकदम बढ़िया, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे, अपना ख्याल रखिए। और बिट्टू शर्मा पूछ रहे हैं भाई किस किस सेलिब्रिटी ने कितना डोनेट किया थोड़ा बताओ। अब देखो ऐसा है ना जी, सेलिब्रिटीज़ के डोनेशन का हिसाब किताब तो मैंने नहीं रखा है, लेकिन आज जो मैंने खबर पढ़ी वो थी टाटा ट्रस्ट की, जिन्होंने 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अलग अलग संस्थान हैं जो कुछ ना कुछ तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को हमने देखा कल, उन्होंने दो अलग अलग चेक्स दिए, शायद एक प्रधानमंत्री निधि में और एक मुख्यमंत्री राहत कोष में, जिसमें उन्होंने 25-25 लाख की मदद दी है। और मनोज सुरभि परीख, मनोज जी कह रहे हैं भाई मैं मनोज पारीख हूँ, सुरभि मेरी वाइफ का नाम है, क्या बात है भाई। साझा बैंक अकाउंट तो हमने देखा था, साझा फेसबुक अकाउंट पहली बार देख रहे हैं मनोज जी, स्वागत है आपका। संकर्षण पांडे कह रहे हैं रोहित जी अगर कभी रविश कुमार मिले तो एक थप्पड़ मारना। नहीं भाई साहब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। ये आप मतलब कैसी कैसी डिमांड लेके आते हो यार। गो कोरोना गो सरदाना साहब, राम प्रसाद जी आप एक काम कर लो, चौराहे पे चले जाओ, वहां खड़े होकर बोलो तो जो लोग ये अपने घर जा रहे हैं हो सकता है इनको कोरोना से बचाव हो जाए। फिर आप डिबेट में बहुत अच्छा करते हैं, विजय सागवाल जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। प्रकाश पंड्या बोल रहे हैं नमस्ते सरदाना सर। और राज सिंह राजपूत कह रहे हैं आप हमारे लाइफ के अहम भाग हो गए हो भैया, ऐसे ही हमसे जुड़ी रहेगा प्लीज़। राज सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, देखिए जुड़ने के लिए तो आज घर से भी हम लोग आपको कनेक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे। अमित सिंह पूछ रहे हैं कहाँ से निकलेगी बस, रोड पर निकलेंगे तभी तो आनंद विहार पहुंचेगी, नोएडा से लखनऊ जाना है हमें, कैन एनीवन हेल्प एंड गाइड मी। अमित सिंह जी देखिए अगर तो कोई आपको इमरजेंसी है तब तो, कल DCP नोएडा हमारे साथ लाइव थे, उन्होंने कुछ अपने हेल्पलाइन नंबर्स बताए थे, ट्विटर पर भी डाले नोएडा पुलिस ने, नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन ने। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप नोएडा पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको एक कर्फ्यू पास बना के देते हैं। इसके अलावा अगर जो मजदूर लोग आज जा रहे हैं आपने उनको देखा हो तो दिल्ली सरकार ने उनको आनंद विहार बस अड्डे तक DTC की बसों में पहुंचाया और आनंद विहार बस अड्डे से यूपी सरकार ने बसें चलाई, उसमें बैठकर वो जा रहे हैं लखनऊ तक। नयन शाह कह रहे हैं जय श्री राम। अभिषेक जायसवाल बोल रहे हैं जय श्री राम, हम लोग गांव जाना चाहते हैं सर, झारखंड कुछ तो करो रोहित सर। चंदन चौधरी आप हैं कहाँ ये आपने नहीं लिखा, अपना फ़ोन नंबर जरूर लिख दिया। आशीष राय कह रहे हैं सर मैं दिल्ली में हूँ, झारखंड जाना चाहता हूँ, यहाँ पे खाने की दिक्कत हो रही है। आशीष राय जी मुझे लगता है बहुत सारे संगठन हैं, अगर आप ट्विटर पे देखेंगे सीरियस फनी गए के नाम से ट्विटर हैंडल चलाते हैं सुधीर, और साथ ही ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल के नाम से ट्विटर चलता है, साथ ही बहुत सारे सामाजिक संगठन जो हैं वो लगातार आप लोगों से अपील कर रहे हैं, अगर आपको खाने पीने की कोई समस्या हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो आप उनको ट्वीट कर सकते हैं, अपना एड्रेस बता सकते हैं तो वो आप तक खाना भी पहुंचा देंगे। आर के निषाद कह रहे हैं नमस्ते सर, हम इंदौर में और अपने घर यूपी जाना चाहते हैं। मनोज पारिक कह रहे हैं आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, आप ऐसी जानकारियां और भी साझा करते रहना, कम से कम कोरोना को लेकर अफवाह तो ना झेलें। बिल्कुल मनोज जी, कोशिश रहेगी ऐसी कि आगे भी इस तरह के झूठ चलाने वाली जो फैक्ट्री है उस पर हम लोग अपनी सर्जिकल स्ट्राइक करते रहें, इसी तरीके के वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी देते रहें। और आप लोग भी कोशिश कीजिए, कोई भी आपके पास आती है जानकारी तो उसको सीधे व्हाट्सएप का फॉरवर्ड का बटन दबा के 50 लोगों तक मत भेजिए, कम से कम उसका एक बार फैक्ट चेक टटोल लीजिए, गूगल पे आप डालेंगे उस मैसेज को तो अगर उसका फैक्ट चेक होगा तो आपके पास आ जाएगा सामने, और नहीं है मान लीजिए अगर नहीं हुआ तो हम तक पहुँचाइए, फिर हम फैक्ट चेक करके आपको बताएंगे। समीर जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, धन्यवाद समीर जी। रामेश कुमार कंसारी कह रहे हैं गवर्नमेंट की संजय की जो कहा है उनको वही रोके और ट्रेन एक बोगी को एक परिवार को दे, ऐसा है ना रमेश कुमार कंसारी जी, एक एक तो इतना आसान नहीं होता ना, कोई डेटा नहीं है सबसे बड़ी बात, कितने लोग हैं, किनको जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, किसको किस दिशा में जाना है, अगर कोई डेटा होता तो फिर थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती। आशीष यदुवंशी कह रहे हैं सर यूक्रेन में हूँ, यहाँ भी लॉकडाउन है भाई, पूरी दुनिया में इस समय लगभग 70 ऐसे देश हैं कम से कम जहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन है, पब्लिक मान नहीं रही है कुछ जगह तो। सिंगम अंकित तोमर कह रहे हैं दिल्ली की हालत ख़राब है, भास्कर आर्य जी कह रहे हैं, जतिन शर्मा बोल रहे हैं भाई आप अपना ख्याल रखिए, यशवंत तोम कह रहे हैं सर हम लोग जो हेल्प में लगे हैं वॉलंटियर उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए। यशवंत जी टिप्स तो मैं क्या ही दूंगा, मैं तो केवल इतना कहूंगा कि आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, आप घर से बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, आपको नहीं पता कि कहीं कोई इन्फेक्टेड आदमी है जो आपसे टकराता है और उसकी वजह से आप अपना इन्फेक्शन जो है वो घर तक ले आते हैं, तो घर से बाहर आते जाते थोड़ा सा ध्यान रखिए, सैनिटाइज़ कीजिए अपने आप को, अपने कपड़ों को, हाथों को, परिवार वालों से मिलने से पहले, साथ बैठने से पहले कपड़ों को बदल लीजिए, उनको सैनिटाइज़ कराइए, उनको अच्छे से धोकर डेटॉल में सैनिटाइज़ करके फिर दोबारा इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखिए।
रोहित जी, राम राम। क्या बैंक को अपडेट कराना पड़ेगा तभी ईएमआई में छूट मिलेगी? अजय पांडे जी, मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि कल जो मेरी बात हुई एसबीआई के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा कि ये तो सभी बैंक्स अपने आप पास ऑन करेंगे। अब बैंक्स जो प्राइवेट बैंक हैं वो इस चीज़ को किस हद तक सीरियसली लेते हैं और वो किस हद तक पास ऑन करते हैं अपने ग्राहकों को, इसके लिए 1-2 दिन मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा। 31 मार्च आते आते सब लोग सारे बैंक्स जो हैं वो क्लैरिफाई कर देंगे। 21 दिन लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन होगा क्या? विक्रम सिंह राजपुरोहित बैंगलोर से पूछ रहे हैं। विक्रम जी, अभी तो देखिए ये शुरुआती कार्रवाई है, अगर हालात ठीक नहीं होते हैं तो कौन जाने, हो सकता है चीन में आप देख रहे हैं वुहान में कितना लंबा हुआ, इटली में कितने दिन तक चल रहा है, तो अभी कुछ भी कह पाना इस मामले में मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी। डॉक्टर अमित भारद्वाज कह रहे हैं, जय हिंद सर, हम सब साथ हैं, हम कोरोना से जीतेंगे, आप भी अपना ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। सलील कुमार सिंह कह रहे हैं, स्टेज 3 कब तक हो सकता है? सलील जी देखिए, इसके लिए कोई ऐसी तारीख तय हो के तो आई नहीं है, चाइना से जहाँ से वायरस फैला शुरू हुआ दुनिया में, तो भारत कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को अगर जागरूक कर पाने में कामयाब हुए हम पूरी तरह से, और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई हम छुपाएंगे नहीं इस बात को, हम बता देंगे अगर हमारे अंदर कोई लक्षण आते हैं, और हम अपने आप को आइसोलेट करेंगे, लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे नहीं ये जानने के बाद भी कि हमारे अंदर कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो थोड़ा उसको फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे ही छुपाया जाता रहा जैसे कि अभी स्थिति हो रही है, तो फिर मुश्किल होंगी चीज़ें। अनुराग तिवारी कह रहे हैं, भाई हम लोग लाला कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारा क्या होगा? अनुराग तिवारी जी, बात समझ में नहीं आई है। सीमांत मिश्रा कह रहे हैं, आपका ड्यूटी भाई, ठीक है कोई बात नहीं। सर, सेक्टर 12-22 में कोरोना का केस आया है क्या? आज वी हर्ड सम न्यूज़ अबाउट समवन, बट न्यूज़ में कोई ऐसी खबर नहीं आई। राहुल कसौधन जी कह रहे हैं, राहुल कसौधन जी देखिए, ऐसा है कि अगर कोई केस आया होता तो डेफिनेटली टीवी न्यूज़ पर आपको देखने को मिला होता। जेपी विस्टाउन की तरफ ज़रूर क्वारंटीन किया गया, एक सोसाइटी को वहाँ पर बंद किया गया है, सेक्टर 128 में शायद, लेकिन 12-22 का कोई मामला मेरी नज़र में आज नहीं आया। आपकी शाहीन बाग वाली सैलरी वाली वीडियो वायरल हो रही है। नयन साजी, अब तो शाहीन बाग उठ गया, छोड़िए अब आगे बढ़ते हैं उससे। ब्रजेश पटेल कह रहे हैं, इसराइल का क्या रिपोर्ट है? कीर्ति मिश्रा का कहना है, 10 किलो राइस, 20 किलो आटा, 5 किलो ऑयल, 10 किलो आलू लिए, ये बहुत छोटा सही साही लेकिन किया है, जितना हमसे होगा हम जरूर हेल्प करेंगे। बहुत अच्छा किया कीर्ति मिश्रा जी, छोटा छोटा करके ही सब लोग करेंगे तो बहुत हो जाएगा, छोटा छोटा करके भी सब लोग करते रहेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ब्रदर, गवर्नमेंट नॉट टेकिंग हेल्प फ्रॉम वॉलंटियर। समीर आनंद जी, देखिए क्या है ना, अभी की जो स्थिति है उसमें आप अगर समझ रहे हैं इसको, उसमें अगर लॉकडाउन कहा गया, लॉकडाउन का मतलब फिर वॉलंटियर्स भी तो घर पे ही रहेंगे ना, उनकी जान क्यों जोखिम में डाली जाएगी? अभी थोड़ा सोचने समझने की स्टेज जो है वो लॉकडाउन में मुझे लगता है कि कठिन है मामला। अभी एजेंसीज भी और सरकारें भी उस चीज़ को इवेल्युएट कर रही हैं कि भाई ये किस हद तक जा सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि वॉलंटियर्स की भी हेल्प अभी उतनी ली नहीं जा रही है। हालांकि बहुत जगह वॉलंटियर्स हैं जो अपनी मदद अपनी मर्जी से जा रहे हैं, गाड़ी लेकर जा रहे हैं, अपनी खाना पीना लेकर गाड़ियों में रखकर जा रहे हैं। मेरे एक परिचित हैं गुड़गांव में, वो एक कैफेटेरिया चलाते हैं, वो मैं देख रहा हूँ पिछले 5 दिन से रोज़ अपनी गाड़ी में भरकर बिस्किट्स के पैकेट्स, बन, चाय और साथ में कॉफ़ी और खाने के पैकेट बनाकर लेकर जाते हैं, पुलिस के लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको खिलाते हैं, जो मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, गुड़गांव से पैदल पैदल निकल रहे हैं, उनको पैकेट्स दे रहे हैं खाने के। अनिल बिश्नोई कह रहे हैं, सर भीलवाड़ा में शायद पहुंच गया थर्ड स्टेज में। अच्छा अनिल बिश्नोई जी, अभी भी मुझे लग रहा है कि जो डॉक्टर्स का कहना है कि वो थर्ड स्टेज इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जो लोग भी बाहर से आए व्यक्तियों के संपर्क में आए उनको हुआ है, लेकिन फिर भी आईसीएमआर के बयान का मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए इसके लिए। वेदभूषण कोतवाल नमस्कार कर रहे हैं, लोगों को बोलो कुछ पैसे डोनेट करें जितना वो कर सकते हैं। वेदभूषण जी, प्रधानमंत्री ने अपील की है अभी थोड़ी देर पहले, प्रधानमंत्री राहत कोष का जो बैंक अकाउंट नंबर है वो सार्वजनिक किया है और ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने, और कहा है कि आम लोग भी इस मामले में जितनी मदद करना चाहें वो कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर उनको दे दिया गया है, वो चाहें तो उसमें पैसे डाल सकते हैं। लॉकडाउन जून तक रहेगा क्या? शंकर सिंह जी, इस बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अंकित सिंह का कहना है, कुछ लोग डर फैला रहे हैं, उन्हें रोकिए प्लीज़। अंकित जी देखिए, कुछ लोग जो है ना उनका कोई इलाज नहीं होता, वो हर मौसम में अपनी दुकानदारी चलाने का तलाश लेते हैं, उन्होंने तलाश लिया है कि भाई ठीक है हमको अफवाह की दुकान चलानी है तो अफवाह की दुकान चला रहे हैं। संदीप सिंह तोमर कह रहे हैं, गरीबों और मजदूरों का क्या? संदीप सिंह जी देखिए, कोशिश कर सकते हैं हम लोग और कोशिश कर रहे हैं लगातार, हम लोग बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं उनकी, वीडियोस दिखा रहे हैं उनके, जा रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स उनसे मिल रहे हैं, शूट कर रहे हैं, सरकारों तक वो बात पहुँचा रहे हैं। कोशिश है कि भाई जहाँ तक संभव हो सके, जितनी ज़्यादा संभव हो सके उन लोगों की मदद हो सके। मुकेश तिवारी कह रहे हैं, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते है। प्रिंस शर्मा जी कह रहे हैं, लिबरल्स कि लेते हो मज़ा आ जाता है। प्रिंस शर्मा जी बस कर लो यार, आजकल भी आप लिबरल और इस सब में पड़े हो।
लोगों को समझाइए, जहां हैं वहीं रहें, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज आर डूइंग बेस्ट टू मेक श्योर कोई भूखा ना रहे। मोहित सक्सेना कह रहे हैं, तेजस कुमावत आए हैं, वो कह रहे हैं कोरोना स्टेज थ्री में जाएगा तो क्या हो सकता है। तेजस कुमावत जी, आप इटली का हाल देख रहे हैं ना, कल 1,000 लोग मर गए एक ही दिन में इटली में, और कुल 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है इटली में। आज तो आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ गया होगा मुझे लगता है। तो स्टेज थ्री में आने का मतलब ऐसी स्थिति हो सकती है, इसलिए सरकार कोशिश कर रही है कि स्टेज थ्री में आने से पहले कोरोना को कंटेन कर लिया जाए, रोक लिया जाए। स्वप्नेश सरस्वत सावंत जी कह रहे हैं, रोहित जी सैटरडे और संडे को भी दंगल होस्ट कीजिए। भाई साहब आप जो है ना, मतलब दफ्तर में ही बिस्तर लगवा लूँ बताओ, वहीं रह जाता हूँ मैं। बच्चों को बोल देता हूँ कि भैया महीने में एक दो बार आया करूँगा घर तुमसे मिलने के लिए। ऐसा नहीं है, कोशिश रहती है सैटरडे संडे को भी करने की, लेकिन घर पर भी समय देना होता है ना भाई साहब। सद्दाम त्यागी कह रहे हैं, अच्छा सद्दाम भी हैं और त्यागी भी हैं, ठीक है भाई साहब चलो। ये कह रहे हैं भाई जी, गरीब जनता जो पैदल ही अपने घर जा रही है उसके लिए कुछ कराओ। भाई साहब करा जितना सकते हैं उतना तो करा ही रहे। अभी भी आपको लग रहा है कि हमारे एफर्ट्स में कमी है तो सर थोड़ा और कर देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा भाई कुछ जानकारी मिल रही है, क्या जानकारी है? अच्छा भाई फ्रेम गड़बड़ हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा ठीक से ऐसा लगता है। चलिए वरुण शर्मा कह रहे हैं, संपूर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेश के डेयरी उद्योग के सामने चारा संकट हो चुका, आपसे निवेदन है हरियाणा बॉर्डर पर रुके पराल और भूसा की गाड़ी को आने का रास्ता दिलवा दें, आपकी बहुत अधिक कृपा होगी। वरुण शर्मा जी आपने ये बात उठाई है, मुझे लगता है कि हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस तक अगर ये बात पहुंचती है, ये आवाज़ पहुंचती है फेसबुक लाइव के ज़रिए, बहुत सारे पुलिस में भी हमारे मित्र हैं काम करने वाले, वो अगर सुन रहे हैं, सरकार से जुड़े कुछ लोग अगर सुन रहे हैं इस बात को, वो सुन पा रहे हैं, तो वो कम से कम इस बात पर ध्यान दें। पश्चिम उत्तर प्रदेश के डेयरी उद्योग के सामने चारा संकट आ गया है, हरियाणा बॉर्डर पर भूसे के ट्रक रुके हुए हैं, उनको आने का रास्ता अगर दे दिया जाए तो ये समस्या का समाधान हो सकता है, ये वरुण शर्मा जी कह रहे हैं। वी विल डिफीट कोरोना, ऋषभ पांडे ने लिखा है। अक्षय कुमार ने 25 करोड़ दिए, इंद्र सिंह बडली कह रहे हैं, अच्छा जी। प्रेरणा पेरी का कहना है, सर सम फेक डेट्स आर कमिंग रिगार्डिंग कर्फ्यू। प्रेरणा पेरी जी, जब आपको पता है फेक है तो फिर क्यों परेशान होना उनसे, बिल्कुल परेशान मत होइए। शंकर सिंह आर पूछ रहे हैं कब तक रहेगा, शंकर सिंह जी जब तक रहेगा अपन 7 लोग मिलकर निपटेंगे, इससे कोई बात नहीं। मैं सुधा बराड़ आज पहली बार मैसेज किया है, कनक चौधरी के नाम से आपका हैंडल है लेकिन आप कह रहे हैं मैं सुधा बराड़, चलिए जो भी आप हैं कनक चौधरी या सुधा बराड़ आपका स्वागत है, कोई बात नहीं। आपने पहली बार मैसेज किया है, हमने भी पहली बार लाइव चैट किया है, यहाँ से आमतौर पर लाइव चैट नहीं करते हैं। केशव लड्डा पूछ रहे हैं, अभी तक बहुत कम एक्टर्स ने पैसे दिए, आपको नहीं लगता और भी एक्टर्स को पैसे देने चाहिए कोरोना वायरस के लिए? देखिए सर ऐसा है, केशव लड्डा जी किसी के गले पर चाकू रख के बंदूक रख के आप नहीं उससे दान करवा सकते ना, ये तो ठीक है भाई जिसकी जाकी भावना जैसी वैसी वो मदद करेगा। अच्छा ये विनय महेवा सामाजिक कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं कि भाई बताएंगे बॉलीवुड व कॉरपोरेट जगत के कितने लोगों ने मदद की, जो जो कर रहा है सामने आ रहा है, देखिए ना विनय जी अब इसमें नेम एंड शेम क्या करना। रोहित गर्ग कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, स्वागत है भाई साहब आपका। ऋषभ पांडे कह रहे हैं कोरोना जरूर हारेगा। समीर चुग को डाउट है वायरस के बारे में कि ये नेचुरल है या प्री प्लान्ड है, दुनिया में बहुत जगह ऐसा डाउट चल रहा है समीर जी। आदित्य शर्मा, व्हाट डू यू से अबाउट द गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द करंट सिनेरियो? देखिए क्या है ना कि मुझे लगता है कि 100% तो किसी का भी एफर्ट नहीं सही हो सकता, क्योंकि जब अमेरिका जब घुटने पर आ गया है, रशिया में हालात आप देख रहे हैं कैसे हो रहे हैं कि आप लोग खुद देख रहे हैं, लोग वायरल कर रहे हैं कि देखो लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुतिन ने 500 शेर सड़कों पर उतार दिए, झूठी खबरें चला रहे हैं इस तरीके की, लेकिन इससे ये तो पता लगता है ना कि हालात वहाँ कितने ख़राब हैं। ब्रिटेन में देखिए प्रधानमंत्री को, प्रिंस चार्ल्स को अगर कोरोना संक्रमित कर देता है तो आप समझ रहे हैं कि ये स्थिति कितनी ख़राब है। ऐसे में दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि भारत ने अपनी आबादी और क्षेत्रफल के तुलना से अगर आप देखते हैं तो बहुत हद तक कोरोना को अभी तक कंटेन करने में कामयाबी पाई है। लॉकडाउन को लेकर मुझे लगता है कि अचानक से लॉकडाउन का ऐलान हो गया और बहुत सारे लोगों ने उस लॉकडाउन के लिए जो अपील की गई थी कि आप जो लोग आपके यहाँ काम करते हैं उनको पूरी सैलरीज दें, जो लोग आपके यहाँ किराए पर रहते हैं उनको घरों से ना निकालें, उनको भगाएं नहीं, उनका किराया माफ़ कर दें, लोगों ने उन चीज़ों को स्वीकार नहीं किया। वरना ऐसा नहीं होता कि गुड़गांव नोएडा में फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती और ये मजदूरों को कहा जाता कि जाओ घर और वो सड़कों पर होते। अगर उनके काम धंधे वालों ने ये तय किया होता कि ठीक है हम कुछ दिन का तनख्वाह इनको देंगे, कुछ दिन का वेतन इनको देंगे, इनको अभी हमें रखना है यहाँ पर, लॉकडाउन है क्योंकि बाहर नहीं निकालना है, तो शायद आज ऐसी स्थिति नहीं होती। लेकिन आज ऐसी स्थिति है, इसका मतलब ये कि लॉकडाउन में सरकार ने जो अपील की, क्योंकि सारी चीज़ सरकार कर दे मुझे लगता है आप ये नाइंसाफ़ी होगी, कुछ चीज़ें हमें आपको भी करनी पड़ेंगी। अगर लॉकडाउन में सरकार के लिए घर में रहो तो ये तो हम ही को करना पड़ेगा, हम जाके चौराहे पर लड़ने लगेंगे तो फिर उसमें सरकार क्या कर लेगी।
संतोष माझी कह रहे हैं मजदूरों को क्यों नहीं भेजा जा रहा है। संतोष जी आपको गलतफहमी है, भेजा जा रहा है, अब भेजा जाने लगा है। आई थिंक व्हीकल मेंटेनेंस वर्कर शुड स्टार्ट इन दिस लॉकडाउन, सचिन पवार कह रहे हैं। अच्छा जी, चैनल्स कितना डोनेशन दे रहे हैं। अच्छा जी, कुमार अजीत जी पूछ रहे हैं। धन सिंह ढांसा, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस वाले जो NRC और CA के लिए इतनी जागरूक करते थे, आगे नहीं बात आई भाई साहब आपकी। श्रवण स्वामी, राणा सरकार, सतेंद्र चौधरी, और सत्येंद्र चौधरी कह रहे हैं हम हटा कुशीनगर से। अच्छा जी भाई साहब स्वागत है। यश बाबू राजिंदर जी देख रहे हैं, यश बाबू से परिचय हमारा बड़ा पुराना है, वर्षों पुराना, मतलब तब से जब शायद पत्रकार बनने का सोचा होगा। कुरुक्षेत्र में पत्रिका उनकी निकलती है, यश बाबू, और सांध मैगजीन जिसको आप बोलते हैं, इवनिंग न्यूज़पेपर वो निकलता है, और साथ ही एंटरटेनमेंट वीकली भी। अब तो यश बाबू बन गए फिल्म प्रोड्यूसर भी, सीरियल प्रोड्यूसर भी। तो स्वागत है आपका वधवा जी। और सतनाम सनातन सिंह भारद्वाज आए हैं, बिहार गवर्नमेंट से भी बात कीजिए। बिहार गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं सर। सरकार ने अपनी सारी पॉलिसी 3 मंथ के हिसाब से करी है सर, मतलब इसका हो सकता है क्या कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, बताइए सर। मनीष कौशिक जी, जैसे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, मैं भी केवल अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, कोई इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सरकार पॉलिसी 3 महीने की इसलिए बना रही है कि भाई अगर लंबा खींचना पड़ता है तो पहले से तैयारी रहे, लेकिन उसके लिए ये मान लेना कि नहीं साहब सरकार ने 3 महीने के लिए EMI हटाने को कहा है तो 3 ही महीने चलेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। कुछ चीज़ें सरकार के करने की हैं, वो सरकार ही कर सकती है, सरकार ही बता सकती है। चंद्रशेखर मिश्रा कह रहे हैं आपका खबरों को सैनिटाइज करने का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। अंशुमान महंती आए हैं, नीलेश शुक्ला आए हैं, मुकुल बिष्ट आए हैं, CA विशाल मित्तल आए हैं, वो पूछ रहे हैं लॉकडाउन कब तक चलेगा। विशाल जी जितने दिन चलेगा अपन और हम, आप और हम साथ मिलके लड़ेंगे इससे। डॉक्टर प्रशांत दीक्षित कह रहे हैं आपकी हिम्मत को सलाम, ऐसे ही देश को जगाते रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जिंदल आ गए, हमारे पुराने मित्र हैं बचपन के। गौरव जी स्वागत है आपका। उम्मीद है रायपुर में सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है, आप लोग ध्यान रखिएगा अपना भी और परिवार का भी। संजीव गांधी कह रहे हैं रोहित जी राधे राधे, आप कैसे हो, मैं कुरुक्षेत्र से, KUK में कुछ लोग लॉकडाउन का मतलब नहीं समझ रहे हैं। संजीव गांधी जी आप उनको समझाइए, उनको बोलिए कि अभी आप हल्के में ले रहे हैं। बोरिस जॉनसन भी 15 दिन पहले तक हल्के में ले रहे थे, अब वो खुद कोरोना से पीड़ित हैं, वो लोगों से हाथ मिला रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि देखो मैं तो सबसे हाथ मिला रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, और अब वो कोरोना से पीड़ित हैं और अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई साहब जब आप लोगों से हाथ मिला रहे थे तो आप असल में खुद कोरोना फैलाने के वाहक बन रहे थे। तो आप समझ रहे हैं कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है ये। रमेश कुमार कंसारी आ गए हैं, कुसुम सुराना, जैकी सिंह, अंगद रॉय, वीरेंद्र पाटीदार, अमित कुमार सिंह आए हैं, उन्होंने शेयर भी किया है चैट को। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, सब लोग मिलकर एक दूसरे का हेल्प करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक साहब, एक बार साहब रियल हीरो अक्षय कुमार जी को सैल्यूट दे दो, कसम से बहुत अच्छा लगा। राज जाट जी, देखो मैंने खबर पढ़ी नहीं है अभी तक, अगर आप कह रहे हैं कि वाकई अक्षय कुमार जी ने 25 करोड़ दिए हैं तो अक्षय कुमार बधाई के पात्र हैं, और ये बात सच है कि पहले भी ऐसे ऐसे मौक़ों पर अक्षय कुमार लोगों के लिए आगे खड़े हुए, खासतौर पर वो भारत के वीर का जो उनका आइडिया था जिसको बाद में भारत सरकार ने मान्यता दी और फिर शहीदों के परिवारों को सहायता देने के लिए एक पोर्टल और ऐप बनाया गया, वो भी बहुत शानदार आइडिया था। तो अक्षय कुमार वक्त वक्त पर ऐसी चीज़ों के लिए आगे आते रहे। कैसे हैं सर, क्या होने वाला है? कुणाल कपूर, जो भी होगा सबका होगा, चिंता मत करो यार, अकेले आपका नहीं होगा ना, इसलिए आराम से रहो, मस्त रहो। आगरा में पुलिस काम कर रही है, VP सिंह परमार कह रहे हैं। चलो भाई ये भी समय है, देखिए एक समय था जब लोग कहते थे तो पुलिस तो कुछ नहीं कर रही थी, आज देखिए VP सिंह परमार लिख रहे हैं आगरा से कि पुलिस काम कर रही है, और एक जगह नहीं बहुत जगह से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं, केवल डंडे मारने के वीडियो नहीं है पुलिस के, पुलिस के अच्छे काम करने के वीडियो भी हैं। नोएडा का हमने आपको दिखाया, बरेली में जिस महिला की डिलीवरी होने वाली थी, उनके पति नोएडा में थे, नोएडा पुलिस ने उनके पति को सही समय पर वहाँ पहुँचाया, उनका बच्चा हुआ, और उन्होंने नोएडा पुलिस के जो DCP थे उनके नाम पर कहा कि मैं अपने बेटे का नाम रणविजय रखना चाहती हूँ। तो ये भी अपने आप में एक मिसाल है, देखिए बदायूं की पुलिस जिनका वीडियो हमने आपको दिखाया था कि भाई मजदूरों को उठक बैठक करवा रहे थे, उसके बाद बदायूं पुलिस ने कहा कि साहब हमने बस में बैठा के सबको छुड़वाया है और अब बदायूं की पुलिस खाना खिला रही है सारे मजदूरों को जो जो लोग वहाँ से पास हो रहे हैं। सत्यम शुक्ला कह रहे हैं आप लाइव आ गए, दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वेस्ट बंगाल के लिए कुछ बोलिए। संजीव सरकार कह रहे हैं भाई क्या बोले बताओ, मैंने देखा था ममता जी गोले बना रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, ध्यान रखो आप लोग, WB कंडीशन वेरी बैड। अमित सिंह राजपूत कह रहे हैं, रोहित जी नेसेसरी गुड्स की सप्लाई बहुत कमी है, स्पेशली बेबी फूड की। अच्छा जी संजीव दत्ता जी, इस बात को हम सरकार तक पहुँचाते हैं, बिल्कुल ज़रूर। आप किस जगह के रहने वाले हैं ये नहीं बताया आपने, ये भी बता देते थोड़ा आसान हो जाता। मदद के लिए ना आमिर खान और ना ही शाहरुख खान अभी तक आगे आया। विवेक राज गुड्डू कह रहे हैं, रोहित भाई ये दिल्ली में केजरीवाल मौत क्या खेल रहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए स्वरूप तंवर जी, गलत बात है।
देवराज पात्रा कह रहे हैं सर व्हाट इज कंट्रीब्यूशन डन बाय अंबानी, ये तो भाई साहब अंबानी साहब बताएंगे, मैं कैसे बताऊं। सर वांटेड टू आस्क डू वी एंड यूनाइटेड नेशन आर गोइंग टू बायकॉट चाइना। नेहा यादव जी मुझे नहीं लगता, ग्लोबल इकोनॉमीज जिस तरीके से चलती हैं आज के दौर में, चाइना को आप बायकॉट तो कम से कम नहीं कर सकते और यूनाइटेड नेशन भी चाइना को बायकॉट नहीं कर सकता। आपने डोनाल्ड ट्रंप के भी बोल सुन लिए होंगे, बदल गए ना उनके तेवर, जो चाइनीज वायरस कर रहे थे। कल सुबह उन्होंने क्या कहा कि मेरी शी जिनपिंग से बात हुई है, चाइना बड़ी मेहनत से लड़ रहा है, बड़ी हिम्मत से लड़ रहा है। तो आप समझिए आसान नहीं होता इस तरीके से किसी से पल्ला झाड़ लेना और संबंध तोड़ लेना। अच्छा, कुरुक्षेत्रा फुल सपोर्ट बाय पब्लिक फॉर लॉकडाउन, अभिषेक शिक्षण जी कह रहे हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। सरदाना जी जय हिंद, वॉलंटियर सर्विस करना चाहता हूँ इस सिचुएशन में, क्या कर सकता हूँ। विकास शर्मा, विक्की जी देखिए अपने स्तर पर जो कर सकते हैं कर दीजिए। आपके आसपास पुलिस के कर्मी जो ड्यूटी दे रहे हैं उनको चाय पानी पिला दिया कीजिए, खाना खिला दिया कीजिए। कभी ये जो मजदूर लगातार जा रहे हैं अपने अपने घरों को पैदल, अगर वहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी ऐसी कोई स्थिति है तो उनको खाना पीना करवा दीजिए, उनके लिए कुछ खाने का पैकेट बांध दीजिए, मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मदद पता है क्या, सबसे बड़ी मदद यह है खुद भी घर में रहिए, परिवार को भी घर में रखिए, अपने जानने वालों परिचितों को भी जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में आप लगातार बातचीत करते हैं, मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं फालतू के, उनको लिखिए कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले, लॉकडाउन का पालन करें। संदीप राठी पूछ रहे हैं सर घर कैसे जाएं, प्राइवेट व्हीकल से गाजियाबाद से, मेरी बेटी वहां पर अकेले है। संदीप राठी मुझे लगता है कि गाजियाबाद पुलिस से आप संपर्क करेंगे, उनको ये जानकारी अगर देंगे और उनको बताएंगे कि आपके घर में कोई इमरजेंसी है जिसके लिए आपका जाना ज़रूरी है, तो आपको वो पास दे देंगे जिसको लेकर आप निकल सकते हैं। कपिल शर्मा आए हैं, बस में चढ़ते और उतरते हम गरीबों की स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर, कपिल शर्मा जो हालत है उसमें लगता है थोड़ा कठिन है, वहाँ स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगी। अजय नारंग कह रहे हैं रोहित जी आप बहुत अच्छे न्यूज़ एंकर हैं, न्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब आगे दूसरे की आप बुराई कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, उसको नहीं पढ़ूंगा। हर्षित मिश्रा कह रहे हैं नमस्ते रोहित जी, मैं अभी फिजी में हूँ बट मुझे इंडिया की फिक्र होती है, आप सब ठीक रहें। हर्षित मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। नवीन बत्रा कह रहे हैं हमारे यहाँ बहुत से प्रवासी बंधु हैं जो घर जाना चाहते हैं। मनीष गुप्ता कह रहे हैं जय श्री राम। तेजस कुमावत आए हैं कह रहे हैं रोहित भाई जिनकी भाड़े की दुकान है उनको बहुत भारी पड़ेगा। तेजस कुमावत जी देखो नोएडा में डीएम ने कहा है कि जो लोग किराए के घरों में रहते हैं मकान मालिक उनसे एक महीने का किराया ना लें। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ दुकान जिन्होंने किराए पर दे रखी है, लीज पर दे रखी है, वो लोग भी समझेंगे और वो मदद के लिए आगे आएंगे, थोड़ा सा सहायता करेंगे। आप देख रहे हैं शाहीन बाग 90 दिन बंद रहा, शाहीन बाग में जितने लोगों की दुकानें हैं वहाँ दुकान मालिकों ने किराया छोड़ दिया। जब धर्म के नाम पर ये सब हो सकता है तो इंसानियत के नाम पर तो थोड़ा सा कर ही सकते हैं ना लोग। तो जो दुकानों के मालिक हैं किराएदार, अगर उनको समझाएं थोड़ा सा, उनसे बातचीत करें, तो मुझे उम्मीद है आज के इस दौर में जिससे दुनिया गुजर रही है शायद थोड़ी सी सद्बुद्धि आए और लोग मदद को तैयार हों। अनूप लाठर इज़ वॉचिंग, अनूप जी नमस्कार, स्वागत है आपका सर। बता देता हूँ अपने दर्शकों को भी, सबको जो हमारे साथ अभी कनेक्ट हैं, अनूप लाठर हमारे गुरु जी हैं और अब से नहीं बचपन से उन्होंने पढ़ाया और सबसे बड़ी बात आज जहाँ हैं जो भी हैं उनके आशीर्वाद की वजह से हैं। और सच बताऊँ तो उन्होंने कहा था कि जर्नलिज्म में जाओ, न्यूज़ एंकर बन सकते हो तुम। मैंने तो बताया ना आप लोगों को अपन तो एक्टिंग करने जा रहे थे, एक्टिंग भी उन्होंने कराई वैसे तो, लेकिन न्यूज़ एंकर बनना चाहिए, जर्नलिज्म में जाना चाहिए, ये भी अनूप लाठर जी ने ही कहा था। तो अनूप जी आए हैं, उनका स्वागत है सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। उम्मीद है घर पर सब ठीक ठाक हैं, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, मैम का भी ख्याल रखिएगा और बच्चों का भी ख्याल रखिएगा। महेश पांडे कह रहे हैं सर 3 मंथ्स तक लॉकडाउन होगा, फेसबुक में कह रहे हैं। भाई साहब देखो फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप ये सब जो है ना, मैं कहता हूँ कि नाई की दुकान होती है, यहाँ खबर आपको सब तरह की मिलती है, लेकिन उसको वेरीफाई कर लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ तो जिसका जो मन आ रहा वो लिख दे रहा है, वो खबर थोड़ी है, वो तो सबके मन की भड़ास है। तो अब किसी के मन की भड़ास को आप हकीकत मान के बैठ जाओ और रोना पीटना शुरू कर दो, छाती पीटना, तो फिर वो ठीक नहीं होगा ना सर। थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, अगर 21 दिन का मोदी जी ने आके टीवी पे कहा है नेशनल टेलीविजन पे, तो 3 महीने करेंगे तब भी आके बोलेंगे ही ना, बिना बताए तो नहीं कर देंगे आपको, इसलिए परेशान मत होइए। अभी 21 दिन तक थोड़ा कंट्रोल रखिए, ध्यान रखिए अपने आपको। विवेक गुप्ता कह रहे हैं सर कीप सेफ इन होम, वी नीड लेजेंड लाइक यू। क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धनंजय सिंह राजपूत टॉप फैन है, वो कह रहे हैं मुझे लगता है बस नहीं चलनी चाहिए क्योंकि इससे और पब्लिक बाहर आएगी, उनको नहीं व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, देखो उनको वहीं व्यवस्था होनी चाहिए। धनंजय सिंह राजपूत देखो कल हरियाणा के मुख्यमंत्री को हम लेकर आए, उनसे हमने बात की, उन्होंने भी यही कहा कि जो लोग जहाँ हैं हम उनके लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था करा रहे हैं, फिर भी अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो क्या किया जाए बताइए। आप अगर अपने घर से बाहर होते धनंजय जी, कहीं दूर होते, मजदूरी कर रहे होते, फैक्ट्री बंद हो गई होती, फैक्ट्री मालिक ने कह दिया होता कि जाओ काम नहीं मिलेगा, तो आप क्या चाहते सबसे पहली चीज़? यही ना कि मैं घर पहुँच जाऊँ,
अपने परिवार के साथ हो जाऊं, तो फिर ऐसा ही उन लोगों के साथ भी हो रहा है। तो उनकी मानसिक स्थिति समझिए, घर बैठ के ये सोचना कि ये गलत कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, उस पर जजमेंट पास करना उचित नहीं है। वीरमा राम आ गए भाई, हमारे मित्र हैं वीरमा राम, पुराने सहयोगी हैं, और राजस्थान में बैठ के वीरमा राम देख रहे हैं। वीरमा जी बड़ी जिम्मेदारी है इस समय आपके ऊपर, सरकार में इस वक्त वीरमा राम आप, और भीलवाड़ा में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है कोरोना वायरस का, और बाकी जगहों को लेकर जिस तरीके से चिंता बढ़ रही है, आप लोगों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब, क्योंकि आपकी एक चूक जो है वो केवल पूरे राजस्थान को नहीं पूरे देश को भारी पड़ सकती है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और उम्मीद करता हूं आप लोग पूरा जी जान लगा के इससे लड़ने में काम करेंगे। अनुराग स्वामी आए हैं, गौरव शर्मा, मुकेश जी, हरीश वर्मा, नितिन पाल, नवीन बालियान, एडवोकेट पायल सैनी वधावन, किशन पांडे, अर्जित स्वरूप तंवर, प्रतीक आर विश्वकर्मा, नागेश जाधव, दिवाकर शर्मा, सोमनाथ मोहंती, धर्म मंजुला खत्री, तेजस कुमावत, विष्णु साहू, स्वप्निल चौहान, दुर्गेश सिंह, मानक कौशिक, मुन्ना सिंह यादव, सूर्यांश सक्सेना, गौरव शर्मा, विजय कुमार मौर्य, सौरभ तिवारी, राज आर्यन टॉप फैन। अभी राज आर्यन ये टॉप फैन कैसे बनता आदमी, मुझे ये नहीं समझ आया आज तक। मुझे लगता है ये फेसबुक वाले खुद ही तय कर देते हैं कौन टॉप फैन है और कौन नहीं। राज आर्यन टॉप फैन है भाई, वो कह रहे हैं आप कैसे हैं सर, आप अपना ख्याल रखिएगा, हम लोगों के लिए आप बहुत कीमती हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद राज आर्यन जी, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, आप लोग भी हमारे लिए बहुत कीमती हैं। सुशील यादव कह रहे हैं मुझे घर जाना है बहुत जरूरी काम से, कुछ हो सकता है? भाई बताओ फेसबुक पे कैसे आपको घर भेज दूं सुशील जी, ना तो आपने ये बताया आप कहाँ हो, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से कहाँ जाना है आपको। वैसे जहाँ भी आप हैं वहाँ की पुलिस से अगर आप संपर्क करेंगे, कोई ऐसी इमरजेंसी है तो वहाँ की पुलिस आपकी मदद के लिए ज़रूर आगे आएगी, और आपको अगर संभव होगा आपकी बात उनको जायज़ लगेगी, ज़रूरत आपको जायज़ आपकी जायज़ लगेगी, तो हो सकता है वो आपको पास मुहैया कराएं और आप घर जा सकें। नीलम ठाकुर भी टॉप फैन है, जिस घर में हम रहते हैं वहाँ एक नर्स है जो हॉस्पिटल में पेशेंट को देख रहे हैं, तो क्या हम सेफ हैं? मुझे लगता है नीलम ठाकुर जी अगर वो नर्स हैं तो आपको पहले तो उनके लिए ताली बजानी चाहिए, उनका धन्यवाद अदा करना चाहिए कि वो हैं तो आप जैसे बहुत से लोग सुरक्षित हैं। दूसरा, अगर वो नर्स हैं तो मुझे यकीन है कि वो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे कि उनकी वजह से और कोई इन्फेक्ट ना हो। अच्छा जी, और रिक्की भारद्वाज, राजेश मेहता, ललित सिंह मान, अभिषेक राव, अभिषेक शर्मा भी टॉप फैन है, कपिल शर्मा, वीबी विनय भाटिया भी टॉप फैन है, वैल्यूड कमेंटेटर है। भाई आप बीच बीच में लाइव आते रहना, और नोएडा में बहुत डर खतरा है, ध्यान रखना। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, ध्यान रखूंगा जरूर। सरदाना जी इज ग्रेट वॉरियर फॉर पब्लिक टू सपोर्ट ऑल इंडियन, जीत एम ददीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र त्रिपाठी, पंकज भारद्वाज, आदित्य शर्मा, अजय कोहली, इंजीनियर अंजेश कुमार, शिवा सिंह, प्रदीप दुबे, युग कुमार, अश्विनी कुमार, मंगलेश यादव, नरेश डिमरी, संदीप राठी, भाई संदीप राठी भी आ गए गुड़गांव से। राठी जी बड़ी बॉडी बना ली आपने, हैं यार गजब, आप दुबले पतले से आजकल आप देख रहे हैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बनने की दिशा में बढ़ रहे हो। थोड़ा ध्यान रखना भैया अपना और परिवार का, ऐसे में घर परिवार वालों को भी बोलना कि घर पे ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे ज़्यादा। उम्मीद है माता पिता घर पे ठीक हैं आपके, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। रंजन प्रसाद, नवीन कुमार, जितेंद्र जांगड़ा भी आ गए। जितेंद्र जांगड़ा जी स्वागत है आपका भाई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से शिकायत आ रही है जितेंद्र जांगड़ा जी, जिम्मेदारी है आपके ऊपर, वहाँ पे लॉकडाउन सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कुछ जुझारू लोग जो हैं वो हिम्मती लोग चैलेंज कर रहे हैं कोरोना को बाहर निकल के। तो जांगड़ा जी थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का, आपके ऊपर है ये जिम्मेदारी। देखिए धीरज कुमार, विकास शर्मा, कौशिक, रवि कुमार, अश्विनी चौधरी, मिली तिवारी, रमन सोनी, राखी शुक्ला, मनोहर सिंह पिचियक, अमित चौधरी, जगदीप ठाकुर, ब्रह्म भट्ट, विनय, प्रकाश प्रधान, नरेंद्र कुशवाहा, भारत मारू, वो कह रहे हैं आफत को अवसर में बदलना खूब जानता है यह इंसान, बस थोड़ा धीरज रखिए। देखिए ऐसा है, ऐसी आफत को तो अवसर में नहीं बदला जा सकता भारत मारू जी, मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, उस पॉजिटिव सोच के मैं साथ हूँ। अब मुझे लगता है काफ़ी देर हो गई, आधा घंटा हो गया, आप लोग भी बोर हो जाएंगे इससे पहले कि आप लोग कहें कि भाई बस कर ले यार, बंद कर ले। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस लाइव चैट सेशन में आने के लिए। कभी कभार बीच बीच में कोशिश करेंगे कि और कुछ नहीं तो घर से ही सही इस लाइव चैट पर आपसे आके मिला जाए। दीपक पवार आ गए, हमारे मित्र हैं, पुराने सहयोग क्लासमेट हैं, स्वागत है दीपक जी आपका। और आप सब लोगों से यही कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा कोरोना को चुनौती देने के लिए बाहर निकलूंगा ये मत सोचिए, और ये भी मत सोचिए कि हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम तो गोलगप्पे खा लेते हैं रोड साइड पे, समोसे खा लेते हैं,
तले हुए छोले भटूरे खा लेते हैं किनारे खड़े, वहाँ नाले के किनारे पकने वाली चाउमीन खा लेते हैं, तब हमारा कुछ नहीं होता तो कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। भाई साहब देखो ऐसा है, जो जो ये सोच रहा था ना सबके कोरोना ने, समझ रहे हो ना, लगा दिए। तो इसलिए आप लोग भी ध्यान रखना, अपना भी परिवार वालों का भी, घर से बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन का ख्याल रखिए, लॉकडाउन में अपने परिवार का ख्याल रखिए। देवेंद्र कुमार कह रहे हैं मेरी वाइफ की डिलीवरी है 30 मार्च को और मैं फरीदाबाद में फंस गया हूँ, घर पर सिर्फ मेरी ओल्ड एज माँ है, डिलीवरी भी ऑपरेशन से बोल रखा है डॉक्टर ने, मुझे वाराणसी पहुँचाने की कृपा करें। देखिए मुझे कॉन्टैक्ट नंबर देने से कुछ नहीं होगा देवेंद्र कुमार जी, नज़दीकी थाने में जाइए, पुलिस अधिकारियों से बात कीजिए, घर से मेडिकल मंगवा लीजिए अपनी पत्नी का, उनकी रिपोर्ट्स मंगाइए, फरीदाबाद पुलिस को दीजिए, वो आपको पास बनवा के आपके बनारस पहुंचने की व्यवस्था कैसे करेंगे, ट्रेन चल नहीं रही, बस चल नहीं रही, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो मुझे उम्मीद है कि आप जा सकते हैं, तब आप पहुंच पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है, नमस्कार है, धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज देखने के लिए, लाइव चैट पर कनेक्ट होने के लिए, फिर किस दिन मौका बनेगा घर से तो फिर आपके साथ लाइव चैट करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।